वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना गाइड, हो जाइए तैयार 2021 के ऑक्शन के लिए। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कौन सी टीम किस प्लेयर को लेगी और टीम के पास कितनी रकम है और कितनी जगह। तो ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं गाइज। IPL 2021 के शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गुरुवार को चेन्नई में IPL 2021 के लिए ऑक्शन होने जा रहा है, यानी कि आज, जिसमें टोटल 292 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन 292 खिलाड़ियों में कुछ बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो कुछ डोमेस्टिक। कई जाने पहचाने नामों के अलावा कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो पहली बार IPL में खेलने का सपना सजा कर आए हैं। साथियों, IPL ऑक्शन से पहले सभी टीमों ने अपनी रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की जानकारी दे दी थी। ऑक्शन में उतरते वक्त हर टीम की ज़रूरत अलग अलग है। किसी टीम को ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत है तो किसी को इक्का दुक्का। अब देखना होगा कि IPL टीम किस खिलाड़ी पर कितनी बोली लगाती है। बोली लगाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी जेब में कितना दम है। सब पैसों का खेल है बाबू भैया। खैर, ऐसे में जिन टीमों ने ज़्यादा और मोटी रकम वाले खिलाड़ियों को रिलीज किया है, उनके पास खिलाड़ी खरीदने के लिए ज़्यादा रकम मौजूद है। वहीं जिन टीमों ने केवल कुछ ही खिलाड़ियों को रिलीज किया है, उनके पास पर्स में थोड़ी सी कम कीमत है। पर्स के हिसाब से नाम बदलकर IPL ऑक्शन में जा रही पंजाब किंग्स की टीम के पास सबसे ज़्यादा रकम मौजूद है। इस तरह से ही सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बराबर सबसे कम पैसे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ऑक्शन में कौन सी टीम दिमाग के साथ बढ़िया खिलाड़ी को कम कीमत में ले जाती है। अब नज़र डालते हैं किस टीम के पास कितनी जगह है और कितनी रकम। पंजाब किंग्स मौजूदा खिलाड़ी हैं 16, विदेशी खिलाड़ी इनके पास 3 हैं और खिलाड़ियों पर खर्च किया गया पैसा 31.80 करोड़। इनके पास बचा हुआ पैसा है 53.20 करोड़। खाली जगह इनके पास 9 हैं, विदेशी खिलाड़ियों की जगह 5 है। राजस्थान रॉयल्स मौजूदा खिलाड़ी इनके पास 17 हैं, विदेशी खिलाड़ी 5 हैं, खिलाड़ियों पर खर्च किया गया पैसा 50.12 करोड़। बचा हुआ पैसा है 34.85 करोड़ और खाली जगह इनके पास है 8, विदेशी खिलाड़ियों की जगह 3 हैं। अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। मौजूदा खिलाड़ी इनके पास 12 हैं, विदेशी खिलाड़ी इनके पास 4 हैं, खिलाड़ियों पर खर्च किया गया पैसा 49.10 करोड़। बचा हुआ पैसा है 35.90 करोड़। खाली जगह इनके पास 13 हैं, विदेशी खिलाड़ियों की जगह 4 है। अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। मौजूदा खिलाड़ी इनके पास 18 हैं, दोस्तों विदेशी खिलाड़ी इनके पास 7 हैं, खिलाड़ियों पर खर्च किया गया पैसा 62.10 करोड़। इनके पास बचा हुआ पैसा है 22.90 करोड़। खाली जगह है 7, विदेशी खिलाड़ियों की जगह इनके पास 1 है। आगे बढ़ते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। मौजूदा खिलाड़ी इनके पास 18 हैं, विदेशी खिलाड़ी इनके पास 4 हैं, खिलाड़ियों पर खर्च किया गया पैसा 69.65 करोड़। बचा हुआ पैसा है 15.35 करोड़। खाली जगह इनके पास 8 हैं, विदेशी खिलाड़ियों की जगह 2 हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। मौजूदा खिलाड़ी 19, विदेशी खिलाड़ी इनके पास 6 हैं, खिलाड़ियों पर खर्च किया गया पैसा 72.9 करोड़। बचा हुआ पैसा इनके पास 12.90 करोड़। खाली जगह इनके पास 6 हैं, विदेशी खिलाड़ियों की जगह 2 है। आगे बढ़ते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ। मौजूदा खिलाड़ी 17 हैं इनके पास, विदेशी खिलाड़ी 6 हैं, खिलाड़ियों पर खर्च किया गया पैसा इनका 74.25 करोड़। बचा हुआ पैसा 10.75 करोड़। खाली जगह इनके पास 8 हैं और विदेशी खिलाड़ियों की जगह 2 हैं। और लास्ट में बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। मौजूदा खिलाड़ी इनके पास 22 हैं, विदेशी खिलाड़ी 7 हैं, खिलाड़ियों पर खर्च किया गया पैसा 74.25 करोड़। बचा हुआ पैसा इनके पास 10 करोड़ है। खाली जगह इनके पास 3 है, विदेशी खिलाड़ियों की जगह इनके पास 1 है। साथियों, IPL से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट आपको अगर जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड।